लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिद्धिसा की गौरी सा ओ तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह तुलसी मेरे प्रिय तुलसी राम भक्त तुलसीदास तुम भी मुझे छोड़कर चले गए कहां चले गए तुलसीदास जय संकट मोचन हनुमान जी तुलसी जय श्री राम जय श्री राम प्रभु आप कहां ढूंढ रहे हैं मुझे मैं तो आपके हृदय में ही बसा हुआ हूं जहां बसे हैं प्रभु श्री राम माता सीता राधा लक्ष्मण आप धन्य हैं प्रभु अपने भक्तों को कभी भी नहीं भुला पाते आप धन्य हैं नहीं तुलसी नहीं धन्य मैं नहीं धन्य तो तुम हो जानते हो तुलसी तुमने ऐसा कार्य किया है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है तुलसी तुलसी तुम्हें पता है तुम्हारी लिखी रामचरितमानस आज आज घर घर में उसका पाठ होता है जानता हूं प्रभु और ये भी जानता हूं कि यह सब आप ही की कृपा से हुआ है आपका वरदानी हाथ मेरे सर पर ना होता प्रभु तो भला मैं रामचरितमानस की रचना कैसे कर पाता फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता न राम भोला को कोई जानता न भक्त तुलसीदास को
प्रभु, तुलसीदास का संबंध संकट मोचन हनुमान जी से वैसा ही है जैसे तन से प्राण, शरीर से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। प्रभु जय श्री राम, जय श्री। कलयुग जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान। धर्म की स्थापना हो चुकी है, राम कथा का प्रचार प्रसार भी हो चुका है, घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। ऐसा तुम्हें लगता है हनुमान, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि घर घर में मैं हूं। कलयुग हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव में मैं हूं। कलयुग ये मेरा युग है, मैं सर्वत्र हूं। अब लोग जय श्री राम या जय हनुमान नहीं, जय कलयुग कहेंगे। कलयुग मान, कलयुग। कलयुग, कलयुग तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा। मैं कुछ समय अपने प्रिय तुलसी के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। चला जा कलयुग, चला जा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ हनुमान जी, कि यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आप तुलसीदास से मिलना चाहते हैं ना? तो तुलसीदास कहाँ है? वहाँ बैकुंठ लोक में, श्री राम के चरणों में। तो आप पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं? आप भी उनके पास चले जाइए, श्री राम के चरणों में बैकुंठ लोक, और वहां बैठकर राम भजन कीजिए। राम 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 राम। बोलिए बोलिए हनुमान जी, बोलिए। चुप क्यों हैं आप? अब किसे ले आएंगे आप? अब किस तुलसीदास को ले आएंगे आप राम कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए? आप जिस जिस तुलसीदास को राम कथा या धर्म का प्रचार के लिए ले आएंगे, मैं उसे समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मैं कलयुग हूं, कलयुग। जय श्री राम। हनुमान, तुम जहां भी जाओगे मैं अवश्य आऊंगा। मैं कलयुग हूं। प्रभु, प्रभु रोकिए इस कलयुग को, रोकिए इस कलयुग को। मेरे धैर्य की और परीक्षा ना लीजिए प्रभु, मेरे धैर्य की और परीक्षा ना लीजिए। मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है प्रभु। तो हो जाने दो। कलयुग, हनुमान, श्री राम और शिवशंकर भी तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, वो सुन भी नहीं सकते, वो बहुत दूर जा चुके हैं। क्योंकि पाप की जय हो चुकी है और सत्य का नाश हो चुका है। जब वो मेरी
स्वयं कलयुग की पुकार नहीं सुन सकते तो वो तुम्हारी पुकार क्या सुनेंगे भला? है? बोलो बोलो हनुमान। कलयुग, कलयुग चला जाए यहां से। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता कलयुग, इसलिए मैं तुझसे दूर रहना चाहता हूं। चला जा, चला जा कलयुग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि श्री राम के चरणों में बैकुंठ लोक चले जाओ और वहीं पर बैठकर राम नाम जपना, अपने आप मुझसे दूर हो जाओगे हनुमान। कलयुग मेरे धैर्य की परीक्षा ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके तुझे सदा सदा के लिए समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। हनुमान, लगता है तुम कलयुग की शक्ति को अभी तक ठीक तरह से पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ मैं और बलवान होता चला जा रहा हूं। तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते हनुमान, कदापि नहीं कर सकते। हाँ, चला जा कलयुग, मैं कहता हूं चला जा। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? हाँ बोलो। कलयुग, कलयुग चला जा। नहीं जाता, नहीं जाऊंगा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? हनुमान प्रहार क्यों नहीं करते? करो, करो ना। कलयुग चला जा। नहीं जाता, क्या कर लोगे? हनुमान प्रहार नहीं कर सकता, हनुमान भयभीत हो चुका है मुझसे। कलयुग, कलयुग चला जा। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? हनुमान भयभीत हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं आप हनुमान जी? आप भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। मैंने तुमसे कहा था ना हनुमान कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। क्योंकि जितना तुम मुझ पर प्रहार करोगे उस प्रहार से मैं और शक्तिशाली होता चला जाऊंगा। हनुमान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मारो, मारो, प्रहार करो मुझ पर। हनुमान प्रहार नहीं कर सकता। हनुमान प्रहार क्यों नहीं करते मुझ पर? कलयुग, कलयुग, ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपके समक्ष कलयुग मेरी शक्ति का उपहास कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। वो कुछ नहीं करेंगे, समय की धारा को वो भी नहीं बदलना चाहेंगे। अरे मेरी बात मान जाओ और मुझ पर ध्यान देना छोड़ दो और पहुंच जाओ उसके चरणों में। हे, प्रहार करोगे मुझ पर? आओ, 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 कलयुग। तुष्ट कलयुग ने तुम्हें फिर से सताना आरंभ कर दिया हनुमान। कलयुग के प्रभाव से मेरा शिष्य प्रभावित हो ये न्याय संगत नहीं है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आंखें खोलिए प्रभु। देवर्षि, आप भी अपने शिष्य हनुमान के समान अधीर हो रहे हैं। नारायण, नारायण, प्रभु अपने प्रिय शिष्य को अधीर देखकर भला मैं धैर्य धारण कैसे कर सकता हूँ? प्रभु कैसे कर सकता हूँ? ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? कलयुग हनुमान को सता रहा है, हनुमान के प्रहारों का कलयुग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और आप चुपचाप ये सब देख रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, मेरे व्यग्र हृदय को शांत कीजिए प्रभु। देवर्षि, आपने इतने सारे प्रश्न एक साथ हमसे पूछ लिए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना
हमारे लिए संभव नहीं है। ना 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 नारायण नारायण, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं त्रिपुरारी। मेरी समस्या का समाधान कीजिए, हनुमान को विशेष शक्ति देकर कलयुग को समाप्त कराइए प्रभु, समाप्त कराइए। नहीं देवर्षि, ये संभव नहीं है। नारायण नारायण, शिव 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 शिव, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है प्रभु। आप संसार के स्वामी हैं, यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो। देवर्षि, हम समय की धारा को उल्टी दिशा में नहीं मोड़ सकते। कलयुग की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी, धर्म और भक्ति की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होगी, भक्तों पर नए नए संकट उत्पन्न होंगे, लोगों का भगवान पर से विश्वास डिगेगा। इसे हम नहीं रोक सकते देवर्षि, और कलयुग में पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को इन सब के साथ रहना सीखना होगा। प्रभु प्रभु, कलयुग की शक्ति कम नहीं है ये मैं मानता हूं, परंतु हनुमान के बल और साहस को भी आप क्षीण न होने दें। यदि कलयुग से त्रस्त होकर हनुमान पृथ्वी वासियों से मुंह मोड़ लेंगे तो धर्म और भक्तों की रक्षा कौन करेगा प्रभु, कौन करेगा? देवर्षि, हम अपने तेज से हनुमान के सहायक भैरवनाथ को प्रकट करेंगे। भैरवनाथ? हाँ भैरवनाथ, आप स्वयं प्रत्यक्ष देख लीजिए भैरवनाथ का रूप क्या होगा और वो क्या कर सकता है। रौद्र रूपी भैरवनाथ शीघ्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। देवर्षि नारद को रौद्र रूपधारी भैरवनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। नारायण नारायण। कहिए महादेव, अपने सेवक भैरवनाथ के लिए क्या आज्ञा है? रौद्र रूपी भैरवनाथ, तुम्हें रुद्रावतार हनुमान की सहायता करनी है, उनका सहायक बनकर रहना है। आप बताइए महादेव, मैं रुद्रावतार हनुमान जी की कैसे सहायता करूं? भैरवनाथ, दुष्ट कलयुग हनुमान को उद्विग्न कर रहा है, सर्वप्रथम तुम्हें कलयुग को दंडित करना है। अर्थात उसके प्राण हरण कर लूं, उसको यमलोक पहुंचा दूं? नहीं भैरवनाथ, ये युग कलयुग का है, हमें विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना है। तुम कलयुग को केवल इतना दंडित करो कि वो किसी को सताने योग्य ना रहे, उसे समाप्त नहीं करना है। जो आज्ञा महादेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा, परंतु वो कलयुग इस समय है कहाँ? नारायण नारायण, जहाँ हनुमान है वही कलयुग है, अर्थात पृथ्वी और आकाश के मध्य में। हाँ भैरवनाथ, तुम शीघ्र वहाँ पहुँचो। परंतु भैरवनाथ, एक बात का ध्यान रहे, हनुमान तुमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो स्वयं रुद्रावतार है। परंतु इस समय हमारी आज्ञा से बंध कर वो कलयुग पर सीधा प्रहार नहीं कर पा रहा है, तुम्हें कलयुग के प्रभाव को कम करना है। भैरवनाथ, तुम पृथ्वी लोक जाकर लोगों में भक्ति की शक्ति जागृत करो, जगह जगह हनुमान के मंदिरों का निर्माण करो, क्योंकि जहां जहां हनुमान के मंदिर होंगे वहां कलयुग अपना प्रभाव नहीं फैला पाएगा। मैं समझ गया महादेव, यही होगा। जय शिव शंकर, जय हनुमान। नारायण नारायण।